सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमतौर पर शादियों में होता है। सजी सवरी दुल्हन, दुल्हन के हाथों में मेहंदी, खुशी में झूमती महिलाएं, वरमाला, सात फेरे और अंतिम में लड़की की विदाई। लेकिन फिर भी ये शादी देश भर में होने वाली शादियों से काफी अलग और अद्भुत है। राजस्थान में चर्चा का विषय बनी यह अनूठी और चर्चित शादी 8 दिसंबर को जयपुर के गोविंदगढ़ में हुई है। यहाँ एक युवती ने हिंदू रीति रिवाज के साथ भगवान विष्णु से शादी की है। लड़की का नाम पूजा है। सामान्य हिंदू शादियों की तरह भी यहाँ गाँव में पूजा के घर मंडप सजा, पूजा की वेदी बनी और सात फेरे हुए और फिर विदाई भी। लेकिन शादी में दूल्हे में कोई युवक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के निराकार तथा विग्रह रूप शालिग्राम विराजे थे। उन्हीं के साथ पूजा ने सात फेरे लिए। शादी में पूजा की मांग में सिंदूर की जगह चंदन भरा गया। पूजा पढ़ी लिखी है, राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई कर चुकी है। शादी को लेकर पूजा ने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे और क्या बातें बनाएंगे। इस विवाह से पूजा के पिता भी सहमत नहीं थे, इसीलिए शादी में पूजा के पिता शामिल नहीं हुए। कन्यादान के लिए पूजा ने मंडप में पिता की जगह उनकी तलवार रख सारी रस्में पूरी की। जितनी अनूठी ये शादी है उतनी ही अनूठी है इस शादी की वजह। पूजा के मुताबिक, मैंने बचपन से ही मामूली बातों पर पति पत्नी और शादीशुदा लोगों को लड़ते झगड़ते देखा है। मुझे लगता है समाज में शादी अब पहले जैसा पवित्र रिश्ता नहीं रह गया। यह भी एक कारण है कि मैंने शादी को लेकर अलग मन बनाया। पूजा बताती हैं कि उन्होंने अपने ननिहाल में तुलसी विवाह देखा तो उनके मन में भी ऐसा ही विचार आया। मीरा की कहानी और खुद को भगवान को समर्पित करने वाला भाव आया और पंडित जी से परामर्श के बाद आखिर में ये फैसला किया। पूजा की इस शादी के बारे में जिसने सुना वो हैरान है। राजस्थान के साथ साथ अब देश में इस शादी की चर्चा हो रही है और कुछ इस तरह बाबुल के घर से एक बेटी भगवान के घर ब्याह गई। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।